बहुत सारे भाई मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप बताओ कि कृष्णनगर जो बीएसएफ की कैंप है कृष्णनगर सिमन नगर पर, वहां पे रनिंग कैसे हो रही है और कौन से ग्राउंड पे वो हो रही है, कितने चक्कर वहां पे मारना पड़ता है या रोड पे रनिंग हो रही है, बहुत कुछ क्वेश्चन और कौन से सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी मैं कैसे रन कंप्लीट किया और मेरे पूरे वीडियो की एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात मैं करना चाहती हूँ वो बात पहले तो आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए साथियों, ये जो कृष्णनगर सिमन नगर जो 08 बीएसएफ बैटालियन की जो कैंप है वहां पे कैसे रन को कंप्लीट किया जा रही है, कैसे सब कुछ हो रही है, तो पूरे वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। तो आज पहले तो इसको ओपन करते हो। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बताऊंगी ओनली दोस्तों, सिर्फ जो 5 किलोमीटर रन है वो कैसे कंप्लीट करने वाले। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं एक ग्राउंड आपके पास है, आप देख पा रही है ना, तो ऐसे ही एक ग्राउंड है और इसी ग्राउंड में आपको टोटल 12 चक्कर मारना पड़ेगा। हर चक्कर के लिए आपको 2 मिनट मिलेगी और टोटल 12 चक्कर में आपको 12 मिनट मिल जाएगी, यानी 1 मिनट में 2 मिनट में आपका, नहीं तो जो भी टाइम काउंट किया जाएगा जो भी बताएगा कि 2 मिनट कंप्लीट हो गया, 4 मिनट कंप्लीट हो गया, तो पर काउंट पे आपको एक एक चक्कर मारना पड़ेगा, नहीं तो उससे अगर पहले मार दोगे तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे साथियों बार बार कमेंट कर रहे हैं, बोल रही है कि भाई रन अगर हमने कंप्लीट कर दिया तो अगर कोई कूपन अगर गलती से गिर गया, नहीं तो अगर भूल गया तो भी क्या होगा। तो भी भाई मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि आप पूरे डिस्क्वालिफाइड हो, क्योंकि अगर आपके पास कूपन नहीं है तो आप क्वालिफाइड नहीं हो। तो वहां पे कृष्णनगर सिमन नगर पे वहां पे मेन होती है कूपन करने का। तो ये है, ये थी मेन बात। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जब भी आप हाइट में जब पास हो जाओगी तब फॉर्म सब कुछ पहले तब को फिलअप किया जाएगा, उसके बाद आपको रनिंग करने के लिए ग्राउंड पे लेकर आएगा। और ग्राउंड आप देख सकते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन ग्राउंड है, बैकग्राउंड में देख सकते हो। तो इसी ग्राउंड में आपको दौड़ने के लिए बताएगा। ये जो फ्लैग अभी आप देख पा रहे हो ना, ग्राउंड के थोड़ी थोड़ी साइड में फ्लैग है, तो जब भी देख पाओगे आप जो जहाँ पे व्हाइट कलर की फ्लैग है वहां पे आपको पीने का पानी वहां पे रखा जाएगी, तो आप पानी इजिली पी सकते हैं, ठीक है, कोई वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो और दोस्तों और एक बात कहते हूँ कि हर चक्कर में आपको 2 मिनट करके मिलेगी। तो पहले चक्कर में जब आप कंप्लीट कर दोगे तो उसके पास ही उस जो भी ग्रास होंगे, जो भी इस ग्राउंड है ना, उस ग्राउंड के जहां से आप रनिंग स्टार्ट करोगे वहां से ही वहां पे 4 नहीं तो 6 बीएसएफ फोर्स वहां पे खड़े होंगे, वो कूपन को लेकर, टोकन को लेकर। और उसके साथ ही आपको दूसरे, जब मान लीजिए आप पहला राउंड आप स्टार्ट कर दिया तो एक चक्कर जब आप कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको कोई कूपन या टोकन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पूरे अच्छे तरह से क्लियरली बता दिया जाएगा। आपके जब दूसरे जब आप चक्कर मारोगे, दूसरे चक्कर आप जब कंप्लीट हो जाएगी तभी आपको कूपन मिलेगी, ठीक है। दूसरे चक्कर कंप्लीट हो जाएगी तभी आपको कूपन मिल जाएगी, यानी टोटल आपको 12 चक्कर मारना पड़ेगा और आपके पास कूपन रहेगा सिर्फ 11 टोकन रहेगा। 11 टोकन अगर आपके पास 24 मिनट से पहले अगर आपके पास हो जाए तो आप रन में क्वालिफाइड हो। तो ये पूरे सिंपल से बात मैंने बोल दिया आपको, कूपन कलेक्ट करना मत भूलना। जब भी आपके राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो उस ऑफिसर से आपको कूपन लेकर लेना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कृष्णनगर सिमन नगर पे कूपन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फिजिकल क्वालिफाइड, यानी 5 किलोमीटर रन क्वालिफाइड करने के बाद भी कूपन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको सभी कुछ पहले से बता दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि कूपन इज द मेन पॉइंट ऑफ द पार्ट ऑफ द फिजिकल पास, ठीक है। और एक बात कहते हूँ, सभी लोग बोल रहे हैं कि भाई हमने सुबह कब लाइन में रहेंगे जिसके लिए हमको पहले भी रन के मिलेगी। देखिए वहां पे रिपोर्टिंग टाइम तो आपको दिया जाएगा 5 AM, तो उससे पहले अगर आप यानी 4 AM या 3 AM, 3 से 3:30 के आसपास से अंदर रहने वाला यानी अंदर करने वाला है। और सभी लोग, मैंने जब गया था तभी मैंने देख रहा था कि 100 से ज्यादा कैंडिडेट वहां पे अंदर हो गई थी और मैं सिर्फ 2 कैंडिडेट लास्ट थी, तो हमने वहां पे गया
और मैंने एक बात वहां पे समझा, कौन से साइन मुझे नहीं पता, लेकिन भाई वो जो पहले जो राउंड किया था ना पहले में, तो वहां पे बहुत लोग डिस्क्वालिफाइड हुआ सुबह जब ही, क्योंकि तभी किसी के अंदर जोश नहीं था, इसलिए बहुत कैंडिडेट डिस्क्वालिफाइड हुआ। लेकिन हमारा रन कंप्लीट होने के बाद जब साथियों ने डिस्क्वालिफाइड हो गया, उसी के बाद दोस्तों क्या बताओ, बहुत लोग क्वालिफाइड हो गया दूसरे टाइम पे, यानी दो बार रन करने के लिए टाइम होगा और वो भी यानी एक घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, 6 बजे के आसपास आपके रन स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद जब दूसरे बच्चा आ जाएगी तभी उसके बाद एक रन के यानी दो बार टोटल रन होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी है जगह, बहुत अच्छी है, बहुत कैंप बहुत अच्छी है। तो आप याद रखें दोस्तों, यहाँ पे आपके पास टोटल 11 कूपन होंगे तभी आप फिजिकली जो 5 किलोमीटर आने वहां पे आप क्वालिफाइड हो, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आई होप इस वीडियो में मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको समझ गए आप। तो मुलाकात होगी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद। और भी वीडियो में बनाऊंगी मेरे साथ क्या क्या हुआ और ट्रेड टेस्ट कहाँ पे होंगे वो भी मैं आपको बता देंगे, ठीक है, वीडियो पे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, जय हिंद।